एक स्लिप होनी चाहिए, ये मेरी खुद की एक स्लिप है जो मैं समझ रहा हूँ कम से कम 15-17 साल पुरानी, इससे ऊपर की भी और मेरी मेंबरशिप की स्लिप वो मैं ढूंढ नहीं पाया, मेरे पास घर में होंगी। अगर कोई अगर पार्टी का सदस्य है तो उसके पास ये उसकी मेंबरशिप की स्लिप होनी चाहिए। तो कहीं कोई किसी से भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कहीं कोई जुड़ाव नहीं है। और जहाँ तक रियाज की आप बात कर रहे हैं तो आप उसके जो उसके मन का जो खोट है वो तो इसी बात से सामने आता है कि उसकी जो बाइक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर 2013 में उसने लिया और वो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका 2611 से आप मतलब समझते हैं कि जो बॉम्बे में जो हादसा हुआ वो 2611 से ताल्लुक रखता है। तो 2013 में उसने ये नंबर लिए और बकायदा उसने वो जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं 5-7 हज़ार रुपये वो देकर उसने ये नंबर लिए हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि उसके मन में ये बात जरूर रही होगी, पहले से उसके मन में ये खोट रहा होगा कि मुझे आने वाले वक्त में क्या करना है। ये भी हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल अगर हुआ हो तो क्या पता वो रैकी करने के मकसद से वहाँ आया हो और हम लोग उसकी ये बात नहीं पकड़ पाए हो। आप नहीं पकड़ सकते 2,000, 5,000, 10,000 की भीड़ में कि किसी एक आदमी के मन में क्या चल रहा है, आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आदमी 2013 में इस तरीके के नंबर जिसने लिए तो क्या पता वो रैकी करने आता हो और उसके बाद उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया हो। और मगर चूंकि उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है तो कानून अपना काम करेगा और हम ये गुजारिश करते हैं न्यायपालिका से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि मुल्क में एक नज़ीर पेश हो। फादी जी एक सवाल है, नीतू शर्मा पूर्व बीजेपी प्रवक्ता उस पर सख्त टिप्पणी कर सुप्रीम कोर्ट ने करी और कहा कि नीतू शर्मा ने जो टिप्पणी करी पैगंबर साहब ने उसकी वजह से उदयपुर की घटना हुई, क्या आप मानते हैं उसी वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में टिप्पणी करी साथ ही उन्होंने कहा कि आपने माफी बहुत लेट मांगी। देखिए पार्टी को जो कदम नीतू शर्मा के मैटर में उठाना चाहिए था पार्टी ने वो कदम उठाया है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की कोई बात है, न्यायपालिका की कोई बात है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसका मान सम्मान करती है, उनका जो भी आदेश रहेगा उसका भी मान सम्मान करेंगे और वर्ड टू वर्ड करेंगे, चाहे वो आदेश उनका किसी भी नेता के लिए हो, किसी कार्यकर्ता के लिए हो या किसी बड़े मंत्री के लिए भी रहेगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट का और न्यायपालिका का बिल्कुल उसके आदेश को मानेंगे और उसका सम्मान करेंगे। गिरफ्तार होने चाहिए नीतू शर्मा? देखिए जो भी न्यायपालिका का आदेश रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा उसका सम्मान करेंगे, जो वो आदेश करेंगे वो फिर हमारी जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के आदेश से वो काम करेगी। अरे भाई कई जगह इस्लाम मजहब हो या दुनिया का कोई भी धर्म हो वो इस तरह के नारे तो बना नहीं सकता। और मेरे मन में या किसी और के मन में क्या चल रहा है, वो किसी धर्म के लिए क्या सोच रहा है, मगर कोई भी धर्म ये कभी नहीं कहता कि आप किसी निर्दोष का सर जो है वो धड़ से जुदा कर दो। आप कैसे ये कोई धर्म ये बात कह सकता है? इस्लाम मजहब कभी नहीं सिखाता, बल्कि हजरत मोहम्मद साहब तो कई बार ये बात कहा करते थे कि मुझे इस तरफ से, वो हाथ का इशारा करके बोला करते थे कि मुझे यार इस तरफ से और ठंडी हवाएं कई बार महसूस होती हैं, तो इस तरफ कौन सा मुल्क है? तो उनके साथी बताया करते थे कि हिंदुस्तान करके एक मुल्क है, वहां पर वो इस तरफ स्थित है, इस दिशा में है, तो कहते थे कि मुझे इधर से ठंडी हवाएं आती हैं, अमन की हवाएं आती हैं। ऐसा हजरत मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इस तरीके से उन्होंने बोला है। ये हमारी ज़मीन का ही कमाल है कि ख्वाजा गरीब नवाज जो है वो ईरान से यहाँ आए, क्योंकि उनको पता था कि ये जो देश है, यहाँ का जो कल्चर है वो दुनिया में सबसे अमीर कल्चर है, इसलिए गरीब नवाज भी आज राजस्थान की सरजमीन पर आए और उन्होंने यहाँ अमन व अमान का पैगाम, सूफीज्म का पैगाम फैलाया। कि वो ऐसी घटना करे और बच जाए, इस व्यक्ति ने एक ऐसा भी संदेश देने का प्रयास किया है, उसमें प्रधानमंत्री जी का भी नाम इसने लिया है। प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की कमान संभाली है, जितना काम प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए किया है इस देश में, तो आजादी के बाद में जितना आज तक कभी भी नहीं हुआ, यानी इतने कम समय में इन्होंने 2014 के बाद से जब से देश की कमान संभाली है और
2014 के पहले जितना काम अल्पसंख्यक समाज के लिए हुआ, अगर हम कंपेयर करेंगे तो 4 गुना ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लिए काम 2014 के बाद हुआ। आप किसी भी योजना में देख लो, भारत के अंदर में 25 करोड़ के करीब मुस्लिम समाज के लोग हैं, सभी योजनाओं का फायदा जो केंद्र सरकार की थी उसमें 30-35% फायदा मिला है। प्रधानमंत्री जी की सोच राष्ट्रवादी सोच है, और ये सोच राष्ट्रवादी क्यों नहीं होगी? जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था तो 5 निष्ठाओं के आधार पर निर्माण हुआ था, उसमें एक पंथ निरपेक्षता भी एक निष्ठा है, और उस पंथ निरपेक्षता का पूरा पालना भारतीय जनता पार्टी करती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी उन निष्ठाओं का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए देश के प्रत्येक धर्म जाति और समाजों का ध्यान रखते हुए देश का विकास लगातार कर रहे हैं, और देश की प्रतिष्ठा जो पूरे विश्व में आज शिखर पर पहुंची है वो प्रधानमंत्री जी के प्रयास से पहुंची है, और इस प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुंचाने का काम यह करते इस आतंकवादी ने किया है, इसका फल इसको जरूर मिलना चाहिए, और ये हमारे पूरे भारतवर्ष का मुस्लिम समाज पर ही है। भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है जगह जगह पूरे भारतवर्ष में आंदोलन किया है, रैलियां निकाली इस पक्ष के विरुद्ध, और सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं, पूरे देश के एकजुट है, तो इस आतंकवादी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ये संदेश इसने तो करते किया है, पैगंबर साहब के नाम से किया है। पैगंबर साहब तो ऐसे व्यक्ति थे, वो केवल मुस्लिम समाज के लिए थे, वो पूरी मानव जाति के लिए थे, पूरे विश्व की मानव जाति के लिए उन्होंने कल्याण कार्य किए। जितने भी अन्याय के कार्य उनके दुनिया में आने से पहले हुआ करते थे, सबको रोक लगाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उन्होंने समाज में काम किया। ऐसे हमारे पैगंबर साहब थे, उनके नाम से ऐसा करते काम करना कभी भी पैगंबर साहब की शिक्षा और नीति इस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकती, और ना इस भारत का कानून और संविधान इसको माफ कर सकते। धन्यवाद। आपने कहा कि इतनी योजनाएं प्रधानमंत्री ने चलाई, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग का बड़ा धड़ा की बात है, 70% की, वो कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए बंटवारे में लगे, धर्म निरपेक्षता के नाम पर लोगों को बांट दिया, देश में तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। सही है, आप जो कह रहे हैं सही है, लोग बरगला रहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग। अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों नहीं समझा पा रहा मुस्लिम संगठनों को इस बारे में? देखें, ये वो धड़ा है जो अभी तक राजनीतिक रोटियां सेकता आ रहा है, और उनको अपनी राजनीतिक जो सीटें हैं, जो कुर्सियां, वो खतरे में नजर आ रही हैं। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो मुस्लिम समाज को करकरा करके जिस तरीके से अभी तक वोट लेते आ रहा है, अब उनको लगता है कि मुस्लिम समाज तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिस तेजी से मुस्लिम समाज बढ़ रहा है पूरे भारतवर्ष में, अभी देखें यूपी के अंदर में, अभी देखें आजमगढ़ का, आप देख लें ना, अभी ताजा अभी हमारे 2 MP बने हैं जहाँ मुस्लिम समाज की मेजोरिटी थी, और वो ही नहीं है, 80 सीटें यूपी में ऐसी थी जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें जीती है, और वो ही नहीं है, आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान के अंदर में जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही सीटें आती है, चाहे विधानसभा है या लोकसभा है, तेजी से भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज जुड़ रहा है। वो इसलिए जुड़ रहा है कि पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जी की अच्छाइयाँ देखी, आज देखिए ना कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ लोगों को भारतवर्ष में अनाज मुफ्त में दिया गया, 15 करोड़ मुस्लिम उससे लाभान्वित हुए, और ये प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी। आप प्रधानमंत्री जी के जो दुष्प्रचार कर रहे हो, अब मुस्लिम समाज समझदार होता जा रहा है। आज गली गली में देखें जो गरीब लोग हैं उनके घरों में चूल्हा, जहाँ पर गैस पहुंची है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है वो संघर्ष भी नहीं कर पा रहा है इस वर्ग के लिए, जो लगातार प्रधानमंत्री के विरुद्ध आवाज उठा रहा है उसके तरफ बोले के, क्या कमजोरी साबित हो रही आपकी गलती ताकि ये लोग लगातार इस तरह एकदम अल्पसंख्यक समाज जो लगातार बीजेपी से प्रधानमंत्री की योजनाओं से प्रेरित होकर जुड़ी रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा भी हम छोटी छोटी बैठकें करके उन लोगों को समझाइश का काम कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ता जुड़ते थे तो हमारे को देखने को नहीं मिलता था, आज वार्ड अध्यक्ष बनाने के लिए बड़े बड़े नेताओं से सिफारिश आती है। एक मुस्लिम समाज का हमारा जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का वार्ड अध्यक्ष बनने के लिए विधायकों और जिला अध्यक्षों की सिफारिश लेके आता है। इस तेजी से भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज जुड़ रहा है, ये इसका एक कारण है। सिफारिश क्यों? क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन पैदा हुआ है बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज तेजी से जुड़ रहा है और आने वाले समय में भी जुड़ेगा। और हम सबको एक संदेश देते हैं कि
आप तेजी से आइए, आपका स्वागत है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो शिक्षा में, चाहे रोजगार में, चाहे महिलाओं के उत्थान में, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा या अल्पसंख्यक समाज के अन्य उत्थान में, ये आने वाले समय में आपका भला करेगा। और ये किया भला, आज देखो ना कश्मीर के अंदर, वहां पर पत्थरबाज 2016 के अंदर में 3000 हुआ करते थे बच्चे, 2020 के अंदर, तो 2020 के अंदर में जब आप सर्वे देखेंगे तो 100 की संख्या आ गई। इसलिए आ गई कि भारत प्रधानमंत्री जी की जो नीति थी वो पत्थरबाज आज स्कूल जाने लगे, वो पत्थरबाज उनके हाथ में क्रिकेट की बॉल आ गई, फुटबॉल की बॉल आ गई है। आने वाले दिनों में वो कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, सरकारी नौकरियों में लगेंगे और अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। वो ही नहीं है, वहाँ का व्यापार, वहाँ का उद्योग, वहाँ का पर्यटन लगातार बढ़ रहे हैं। एक स्थान है, मेरा दोस्त है वहाँ कश्मीर के अंदर में, उनका मेरी अभी कुछ दिन पहले बात हुई, क्योंकि मैं पर्यटन से भी जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर पर्यटक देखने को नहीं मिलते थे, और जब से 370 धारा हटाई है हमारे यहाँ पर, लोग घरों में भी रुकने के बाद में पर्यटकों को टेंट लगा करके रुकाया जाता है। तो ये विकास का एक एग्जाम्पल है। पंडितों का पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा है, हाल की घटना हुई तो ऐसा क्या है कि आप कहते हैं सब सही है, लगातार ये पलायन हो रहा है। देखें पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, वो अलग अलग हथकंडे अपना करके इस टाइप की हरकतें अभी भी वहाँ कर रहा है। मैं आपको कहूँ 90% उग्रवाद पर वहाँ पर कंट्रोल किया है प्रधानमंत्री जी की नीतियों ने, तो 10% बच गया ना, वो भी थोड़े दिनों में नहीं बचेंगे, और उन उग्रवादियों का भी अभी इलाज हो जाएगा, और कश्मीरी पंडित भी वहाँ पर शांति से रहेंगे, और आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। सर, ये आतंकी घटना है कि नहीं, आप बार बार कह रहे हो कि आतंकवादी को सजा सख्त मिलनी चाहिए, राज्य सरकार कहती है आतंकवादी है, NIA कहता है कि आतंकवादियों से लिंक नहीं है। देखो सर, अब जांच का विषय है और जनता की भावना है। अब जनता अपने हिसाब से हर चीज़ का अर्थ लगाती है, चूँकि मामला कोर्ट में है, अंडर इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर में है, वो जल्द से जल्द। नहीं, जनता की बात नहीं, आप तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, आप कह रहे हो कि आतंकवाद को रोकने के लिए इस आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए, राज्य सरकार कह रही है आतंकवादी है, पुलिस कह रही है आतंकवादी है, NIA कह रही है आतंकवादी है। जांच का विषय है, जांच चल रही है और कुछ दिनों में रिजल्ट हमारे सामने होगा, निश्चित रूप से इस करते करने वाले को सजा मिलेगी। थैंक यू।